मोदी सरकार की सत्ता संभालने के साथ ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा बदलाव हुआ। ब्यूरोक्रेसी, लोकपाल और आरटीआई से जुड़े तमाम फैसलों का पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री कार्यालय के पास रखा गया। सीनियर अफसरों पर केस चलाने के फैसले से लेकर इनके सर्विस रूल में कोई बदलाव करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास रखी गई। ऐसे तमाम फैसलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को नोट जारी कर नए सिस्टम की जानकारी दी। सरकार की दलील थी कि ऐसा करने से फैसला लेने में तेजी आएगी और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले तक डीओपीटी का जिम्मा प्रधानमंत्री के पास होता था, लेकिन इससे जुड़े अलग अलग फैसलों पर स्थिति साफ नहीं थी, जिससे कई बार अहम फैसले अटके रहते थे। सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने साफ किया कि किसी मामले में कैबिनेट नोट तय करने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होगा। इसके अलावा आरटीआई कानून में बदलाव या कोई अन्य संशोधन भी प्रधानमंत्री की इजाजत से ही किया जाएगा। क्लास वन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश पर फैसला भी प्रधानमंत्री का अधिकार होगा, जबकि अफसरों के सर्विस रूल में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री का होगा। हालांकि सीबीआई से जुड़े मुद्दे में प्रधानमंत्री को अलग किया गया। जांच एजेंसी से जुड़े मुद्दों पर राज्य मंत्री को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इसमें सीबीआई के तमाम प्रशासनिक कामों की समीक्षा भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने रिटायर हो चुके बेहतरीन अधिकारियों को फिर सेवा में लेने का रास्ता भी तलाशा। मोदी सरकार नियमों में बदलाव कर ऐसे रिटायर्ड अफसरों को जरूरत पड़ने पर अहम विभागों में नीतिगत पदों पर तैनात करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।